सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल पर। और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, कम से कम इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा जिन्होंने भी अपना आंसर की देखा है, क्योंकि आज जो डेट है वो डेट है ऑब्जेक्शन का, और कैसे ऑब्जेक्शन करना है इसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा शाम को 4:30-5 बजे तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो अपडेट किया जाता है तो उस वीडियो का सबसे पहले आपको देखने को मिले आपके फोन पर, ठीक है। और एक बात मैं बोल दूं, अगर आपने आंसर की देखा है, मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं कि कुछ आंसर गलत है लेकिन उसके आंसर सही है। अगर आपको लगता है आंसर की देखने के बाद किसी आंसर में आपका सही है लेकिन रेलवे बता रहा है कि वो गलत है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सक्सेस की edu98@gmail.com पर सेंड कर दीजिएगा। मैं एक बार चेक कर लूंगा ऑब्जेक्शन से पहले, क्योंकि 50 रुपए लग रहे हैं एक क्वेश्चन के। अगर आपने ऑब्जेक्शन किया और गलत हो गया तो वो पैसा फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। अगर ऑब्जेक्शन किए और सही आंसर हो गया तो वो पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। वैसे ही मैं दिखाता हूं, मेल ओपन कर रखा है और मेल में एक बच्चे का कमेंट था, एक स्टूडेंट का, कि भैया ये देखो मेरा गलती है कि सही। मैंने देखा जुलाई 2018 तक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, और यहां पर दिखाया गया है डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला को गलत। मेरे माइंड में जैसे ही ये मैंने देखा, मेरे माइंड में एक अजीब सा आया, यार नबार्ड का जो चेयर पर्सन है वो हर्ष कुमार बनवाला ही है, ये डॉक्टर विवेक ओबेरॉय कौन है? तो समझ में नहीं आ रहा। मैं आधे घंटे से सर्च मार रहा हूं यार, पूरा डाउट था। तो मैंने पूरा गूगल ओपन किया, देखो यहां पर नबार्ड सेक्रेटरी, नबार्ड चेयरमैन, पूरा साइट यहां पर बार बार दिखा रहा हर्ष कुमार बनवाला, लेकिन यहां पर जो है विवेक ओबेरॉय को, विवेक देबरॉय को बिल्कुल सही बताया जा रहा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं अपना आंसर की जो भी आपके पास आया है रेलवे बोला है। देखो रेलवे गलती नहीं बोल सकते, हो सकता है चेक करने में गलती हो सके, लेकिन आपका यह फर्ज बनता है। रेलवे ने तो ऑप्शन दिया ही है ना कि ऑब्जेक्शन करने का, क्वेश्चन को रेस कर सकते हैं अगर आपको लगता है वो सही है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आंसर की आपने देखा है तो एक एक क्वेश्चन को सही से देखिए आप सभी, और हां वही आप लोग सेंड करिएगा जो आपको लगता है डाउट है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी को बताइए, आंसर की को फाइनल ना मान ले और उसको अच्छे से जांचे, निचोड़े कि देखें आप लोगों ने पढ़ाई की है तो देखिए कौन सा सही आंसर है, कौन सा गलती आंसर है। गूगल कर लो ना, एक घंटा, हो सके 1-2-3 आंसर ऐसा मिल जाए जिसमें आपके नंबर बढ़ जाए, ठीक है।